बात आपकी सुरक्षा की हो तो तालाबंदी और फीताबंदी कोई बड़ा काम नहीं है। केवल 9 मुख्य जानकारियां हैं जो आपको काम पर सुरक्षित रखती है। वास्तव में इतने आसान है कि बस खोलने और बंद करने का कार्य है। साधनों पर ताला लगाने का मतलब सिर्फ काम करने वालों को खतरों से बचाना है। तालाबंदी में बस आप कनेक्शन को अलग करने वाले स्विच पर ताला लगा देते हैं, जिससे सर्किट ब्रेकर, वाल्व का दस्तू और दूसरे ईंधन पहुंचाने वाले भाग कट जाते हैं। ताला कभी कॉम्बिनेशन वाला होता है और कभी चाबी वाला। फीताबंदी में आप मशीन के तालाबंदी की जगह पर खतरे की जानकारी लिखा हुआ फीता बांध देते हैं। आपका मालिक आपको अलग अलग ताले, चाबियां, फीते और तालाबंदी और फीताबंदी के लिए इस्तेमाल में आने वाली चीजें आपके हवाले कर देता है। ये सारी चीजें मजबूत हों और आसानी से ना हटाई जा सके। फीता ऐसी चीज से बना हुआ होता है, इस पर गीलेपन या नमकीन तापमान से लिखाई बिगड़ने ना पाए। इसके अलावा फीते पर बड़े अक्षरों में खतरे की जानकारी होनी चाहिए ताकि आसानी से पहचानी जा सके। तमाम ताले और फीते रंग, साइज और शेप में बढ़िया होने चाहिए। इन वस्तुओं को सिर्फ तालाबंदी और फीताबंदी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, आपके स्वयं की या दूसरी जगहों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये ताले और फीते सिर्फ खतरा पैदा करने वाले ईंधन को बंद करने के लिए हुआ करते हैं। ताला या फीता पर ही लिख देना चाहिए कि इसे किसने बंद किया या लगाया, ताकि पहचान की जा सके। आपको जाती तौर पर एक ताला दिया जाएगा, मगर इसे आपके साथ काम करने वाले को हरगिज न दें। आपको चाहिए कि तालाबंदी और फीताबंदी की विशेषता और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझ लें। जब भी आप किसी मशीन पर सर्विस कर रहे हो या उसकी मरम्मत कर रहे हो और इससे अचानक एनर्जी खारिज होकर खतरा पैदा करे, तो आप तुरंत उसकी तालाबंदी या फीताबंदी कर दें। सर्विस और मरम्मत वगैरह में बनाना, जोड़ना, जांच करना या साधनों का बदल देना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के सर्किट की मरम्मत कर रहे हो या उसकी सफाई कर रहे हो और उनके चलते पुर्जों में चिकनाई दे रहे हो, तो पहले तालाबंदी या फीताबंदी कर देनी चाहिए। सुरक्षा के नियमों पर हमेशा ध्यान रखें। सुरक्षित तालाबंदी के नियमों को कभी ना भूलें। यह सब आपकी सुरक्षा के लिए है। वो व्यक्ति जो सर्विस या उसकी देखभाल के लिए होता है, वो अधिकृत कर्मचारी कहलाता है। वर्क एरिया में ईंधन पाने का जो भी जरिया हो, उस पर ताला लग जाना चाहिए। ताले ईंधन को रोकने का बेहतर जरिया है, मगर ताले के साथ फीता भी लगाया जाए, ताकि मुलाजिमों को ताला लगने के हालात जानने में मदद मिले, फीता पर होने वाले काम के बारे में उसके लिए जो वक्त आवश्यक है और फिर जो अधिकृत कर्मचारी है उसके बारे में जरूरी जानकारी उपलब्ध होती है। यह सब किस तरह करना चाहिए, उसकी विधि भी आपकी कंपनी में लिखी हुई है। अगर मल्टीपल तालाबंदी हो तो अधिकृत कर्मचारी एनर्जी के हर जरिए को ताला लगाकर हर ताले की चाबी, कुंजी को लॉक बॉक्स में रख छोड़े। फिर दूसरे तमाम अधिकृत कर्मचारी जो इस मशीन पर काम कर रहे होते हैं, लॉक बॉक्स बंद करके अपने जाती ताले लगा दे, ताकि जब तक तमाम लोग अपने अपने ताले ना हटा ले, इस कुंजी को निकालना मुमकिन ना हो। एनर्जी किसी भी काम की जगह का बुनियादी हिस्सा है, इसी तरह आपकी सुरक्षा भी। आपकी मशीन को अच्छी तरह से तालाबंदी और फीताबंदी कीजिए। पहला, तैयारी। दूसरा, शटडाउन। तीसरा, आइसोलेशन। चौथा, इस्तेमाल। पांचवा, कंट्रोल। छठा, दोबारा जांच। क्या काम पूरा हो गया? नहीं, जब तक आप ताले और फीते खोलने के आखिरी 3 नियम पूरे कर ले। पहला, काम की जगह को मुनासिब बना ले। दूसरा, खबर करना। और तीसरा, हटाना। चाहे आप ताले और फीते बंद करने वाले हो या मरम्मत करने वाली मशीन को ऑपरेट करने वाले हो, जब आपकी या अपने साथी की हिफाजत का सवाल आता है, तो आप उन नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। याद रखिए, सारे नियमों का पालन कीजिए। 9 मुख्य जानकारियां तालाबंदी और फीताबंदी के। ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये सिर्फ खोलने और बंद करने का अमल है।